आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। जहां रोजगार के लिए युवा इंजीनियर परेशान है, वहीं अपनी काबिलियत के दम पर MIT के युवा इंजीनियर ने ग्रेड 2019 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 96% लाकर सभी नवरत्न कंपनियों को अपने यहां नौकरी करने पर मजबूर कर दिया है। MIT के वर्ष 2017 उत्तीर्ण मैकेनिकल इंजीनियर के छात्र शिवम श्रीवास्तव ने तकनीकी क्षेत्र की सबसे कठिन परीक्षा ग्रेड 2019 में ऑल इंडिया रैंक 96% लाकर अपनी माता नीलम सक्सेना, वहीं पिता नरेंद्र प्रकाश सक्सेना, MIT संस्था के सभी शिक्षकों के साथ साथ बुद्धि विहार मुरादाबाद का नाम भी रोशन किया है। शिवम ने अपनी 10वीं और इंटर की परीक्षा BKS पब्लिक स्कूल से पूरी करी। उसके बाद वर्ष 2013 में MIT से मैकेनिकल इंजीनियर ब्रांच से इंजीनियर करने का फैसला किया और वर्ष 2017 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई सफलतापूर्वक उत्तीर्ण भी की। शुरुआत से ही पब्लिक सेक्टर यूनिट में जाने की जिद और सपने ने उन्हें पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग करने पर मजबूर किया और आज उसी बदौलत शिवम ने अपनी मंजिल भी हासिल की। अब भारत की सभी नवरत्न से लेकर महारत्न कंपनियां एवं PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट ने सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के लिए शिवम को निमंत्रण पत्र भेजा है। आज शिवम एवं इनके माता पिता को इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए MIT संस्था में बुलाकर सम्मानित किया गया और उसके बाद शिवम ने MIT संस्था में पढ़ने वाले अपने सभी जूनियर छात्रों को एक ग्रेट लेक्चर भी दिया। उसके माध्यम से उन्होंने सभी को किसी तरह गेट में अच्छी से अच्छी नेक लाकर अपना भविष्य सुरक्षित किया जाए ये समझा। वहीं MIT संस्था के निदेशक डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, सभी शिक्षकों एवं प्रबंधक तंत्र ने शिवम के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं काफ़ी तैयारी कर रहा था इसके लिए। ये मेरा ड्रीम था कि इसमें जाना है मुझे। मेरा जो मेन फोकस था वो PSU का था, तो यहाँ पर मैं 2 साल तक तैयारी करी थी मैंने इसकी। लास्ट ईयर भी करी थी पर इस साल मेरे को अच्छी रैंक आ गई, तो मेरा ड्रीम मुझे लगता है पूरा हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे MIT से कब एडमिशन लिया था? तो मैंने MIT का 2013 में मैंने एडमिशन लिया था और 17 में मैं पास आउट हूँ। और MIT के जो फैकल्टी हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि आपका क्या होता है अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आपके इतने टफ एग्जाम के क्रैक नहीं हो सकते। तो आपका जो बेसिक है वो अच्छा होना चाहिए। मेरी फाउंडेशन अच्छी थी मेरी, क्योंकि MIT काफ़ी फैकल्टी सपोर्टिव थे, तो वहाँ का मेरा बेस काफ़ी अच्छा बना। क्या प्रोसेस रहा आपका इसको तैयार करने में? इसके लिए देखिए, पहले तो जो मेरा बेसिक था वो तो हमारे फैकल्टी ने पूरा करवा दिया था, तो वहाँ का मेरा बेस क्लियर हो गया था। उसके एडिशन में मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन करा था, तो वहाँ से मेरे को स्टडी मटेरियल और सारी गाइडेंस मिल गया था वहाँ पर मुझे। उसके अलावा मेरी जो सेल्फ स्टडी रही 1 साल की, तो ये सबका जो कम्युलेटिव रिजल्ट था वो आपके सामने इसकी रैंक आई मेरी। तो आपकी 96 रैंक आई है, तो इसमें मेरे ख्याल से आपको सारे ही पब्लिक सेक्टर यूनिट से कॉल आई होगी नौकरी के लिए, जितनी भारत की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। जी देखिए, महारत्न जो होती है हमारी कंपनी, महारत्न नवरत्न कंपनी, तो ये टॉप 500-600 तक कॉल करती हैं। तो अंडर 100 वालों का तो क्योंकि वेटेज ज़्यादा होता है गेट स्कोर का, तो आपका चांस है 90% कि आपका उसमें हो जाएगा। बाकी इंटरव्यू होता है तो उसके बहुत कम वेटेज होता है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि मेरा मोस्टली मेरे समय हो जाना चाहिए। तो अभी तक कितनी कंपनी का आ चुका है? अभी NTPC का है, वाइजेक स्टील का है, IOCL का है, ONGC का है और BARC का भी, इनका तो फॉर्म आ गया है, बाकी का भी आने वाला है। अभी उसमें डेट आ गई है उसकी, तो नेक्स्ट ईयर से होपफुली कि इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, तो ये है होता है इंटरव्यू। और DRDO से भी आने की उम्मीद है? जी अभी DRDO का भी उसमें नेक्स्ट मंथ का भी डेट है, टेंटेटिव है उसकी, तो DRDO का भी है और बाकी जितने भी नवरत्न और महारत्न कंपनीज हैं इन मोस्टली में सब में आने वाला है अभी। तो अगर आप सारी ही कंपनी के लिए एलिजिबल हो तो आपका क्या बन रहा है कि आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करना चाहोगे? देखिए मेरा जो मेन एम था वो तो NTPC और IOCL का है, तो इसमें अगर मुझे दोनों मिल गया तो मैं NTPC में जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ का जो वर्क कल्चर है वो बहुत अच्छा है। वो वहाँ पे जो इंजीनियर्स को जो ट्रीट कराया जाता है वो बहुत ही अच्छा है और वो जो सैलरी तो अच्छी होती है क्योंकि PSU है बढ़िया। अच्छा, आप अपने यंग इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इंजीनियर फील्ड ऐसी है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो इंजीनियरिंग में आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके अगर बेसिक क्लियर है और आप बिल्कुल लगन है और आप बिल्कुल लगन से पढ़ाई कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ तो ऐसी हैं जो आपको आपके साथ आएंगे, आपको पूछेंगे सीधे सीधे, आपको जाना नहीं पड़ेगा कहीं पर। नीलम मैम, आप इनकी माता हैं, तो आपको कैसी खुशी हो रही है बच्चे ने इतना बड़ा अचीवमेंट मुरादाबाद शहर से लिया है, पूरे देश में नाम रोशन किया है आपका? मुझे क्या, हमारे पूरे परिवार को इतनी खुशी हो रही है, मेरे पूरे जितने भी रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, बस सब ये चाहते हैं कि जो भी बच्चा हो वो इसी जैसा निकले। और साथ साथ में MIT वालों को, MIT के सारे
शिक्षकों को लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे बच्चे को इतना अच्छा ज्ञान दिया, इतना अच्छा पढ़ाया। आप बुद्धि विहार से मैं रहने वाली हैं, तो बुद्धि विहार में जितने भी यंग इंजीनियर्स या बच्चे हैं उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत से पढ़ो, लगन से पढ़ो और अपने शिक्षकों का और माता पिता का सम्मान मत छोड़ो। अच्छा, आप इनके पिता हैं श्री नरेंद्र प्रकाश जी? जी जी। तो आपको कैसा फील हो रहा है अपने बच्चे के? अच्छा फील हो रहा है कि मेरे बच्चे ने जो है 96 रैंक ला के बहुत अच्छा मतलब कराएगा। मैं समझता हूँ कि हर बच्चे को इतनी मेहनत करनी चाहिए, जैसे कि इसने 9 से 10 घंटे 8 से 10 घंटे की तक मेहनत करी है और इसका फल हमें मिला है। मैं चाहता हूँ सब बच्चे ऐसे ही करें। तो इनकी पढ़ाई में जो खर्च आया सब कुछ आपने कैसे मैनेज किया वो उनको? सब हम लोगों ने बस अपने जैसा भी करा वो बच्चों को पढ़ाने में लगाया हमने पैसा। तो आपको लगता है कि आज अब वो सब वसूल हो गया पूरा? बिल्कुल वसूल हो गया और अच्छा वसूल हुआ हमारा। ज़्यादा मिला? ज़्यादा मिला।